मजा आया। अब इस तरह बाइक चलानी पड़ेगी जिस तरह हम चलाते हैं अगर हम अकेले होते तो। सारा लेफ्ट साइड एरिया लीनिंग कर रही है फुल है। ये अच्छा है। हाथ साथ गर्म करना तो भाई का ये सर। अभी मैंने इनको पूछा है कि भाई थक गए हो? पिज़्ज़ा मज़े का था। नहीं वो देखो वो भाग रहे हैं। कितने ज्यादा हैं? 25-30 हैं। हाँ ना, पूरा झुंड है। बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे यार भागते हुए। क्या मंजर था, नेशनल ज्योग्राफिक चल रहा था। ऑफ बाइक करके चलाई, बहुत ही मज़ा आया। वाइब्रेशन नहीं थी बाइक में। अभी बच्चे बहुत आगे निकल गए तो हमें अब उस तरह बाइक चलानी पड़ेगी जिस तरह हम चलाते हैं अगर हम अकेले होते तो। याद रहे कि मेरे साथ एक पिलियन है अभी, जिस वजह से बाइक मैं उस तरह नहीं चला सकूँगा, लेकिन वी डूइंग 70-80-85 अब टर्न है तो यहाँ पर करेंगे स्लो। वो सुरती बहुत ज़्यादा स्लो करेंगे क्योंकि लैंड स्लाइड एरिया और टर्न भी जो है ना बहुत नैरो हुआ हुआ है। बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं, लगता है काफ़ी आगे चले गए हैं। इस तरह आता मज़ा, इस तरह हम फ़ौरन से पहले जो है ना पहुँच जाते वापस, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों की खातिर हमने आज ये इकदाम किया है। जब वो मेरी आँखों के सामने ना हो ये दोनों तो मुझे डर लगा रहता है जैसा कि कहीं ना कुछ जो भी है, इसलिए मैं उनके आगे चला रहा होता हूँ। थोड़ा सा है तो उसे टेंशन होती है, लेकिन वो अच्छी से बाइक चलाते हैं, एहतियात से ही चलाते हैं। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी मिस्टेक कितनी ज़्यादा नहीं होती कभी भी, तो इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगी। बस अब जब तो सामने नहीं आते तो मुझे जो है ना टेंशन रहेगी। इतनी दूर कर नज़र आ रहे हैं लेकिन बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे उलझन हो रही है, बहुत उलझन हो रही है मुझे। आई होप कि ठीक ही हूँ। इजी बॉय इजी। सारा लेफ्ट साइड एरिया पकड़ लिया भाई इनको। और बहुत ज़्यादा सर्दी थी ऊपर, अब मुनासिब सा मौसम हुआ हुआ है, मौतदल सा। लीनिंग कर रही है फुल है। उमर भाई के लिए छोटे छोटे पेपर वेट स्टोन्स उन्होंने कहा कि मेरे लिए लेके आना, जो पानी से घिस के गोल हो जाते हैं। इतने नॉर्मल जगह से भी हम ले सकते थे, लेकिन हमने कहा कि हम लेंगे पुंजराब पार्क से। ये तो छोटा बहुत है ना, हाथ गीले हो गए। ये तो बड़े, ये अच्छा है। बजाज तो बहुत आगे निकल गया पत्थर ढूंढने। मैंने ये ढूंढा 500-600 किलो तो ये बन गया, लेकिन क्या ही मौसम चल रहा है उसका। ऑटम इज हियर, ऑटम इज हियर। पीले हो गए हैं, रेड माल्टा हो गया पत्थर, माल्टा पत्थर। पेपर वेट बढ़ा ना छोटा, सामने कुछ नहीं पता सी रख लिया बस। है ना छोटा तुम भी। ओ भाई ये तो सारे नेक्स्ट लोग मछलियां पकड़ते हैं हम। चलो मजा आया। जल्दी जाके पत्ते तोड़ो, जल्दी करो। क्या आसमान है यार, सारे पामागा। मेरे ग्लव्स इस वक्त जो है ना वो गीले यार, मेरे हाथ इस वक्त पत्थर बने हुए हैं। उफ उफ उफ, ये कौन सा परिंदा है? अरे भाई कैसे कर रहे हो इस तरह, तुम इतनी ठंडी में कैसे उड़ रहे हो? जाते सूरज के मज़े ले लो, फिर अंधेरी रात है। जी 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 जी। सोचिए बच्चों ने खुजराब पास कर लिया है, कमाल कर दिया, खुजराब टॉप कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह वापस भी खैरी से पहुंच जाएंगे। लेकिन वेरी गुड अटेम्प्ट, वेरी वेल डन और बहुत ही नाइस। उस्ताद बहुत सर्दी लग रही है क्या? लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन सा। सड़कों सड़के मुझसे पूछती है कि भाई कितना रह गया रास्ता। मैंने कहा बेटा अभी तो आधा भी नहीं हुआ, लेकिन हम जैसे ही सोस क्रॉस कर लेंगे ना, सोस से पास पहुँच जाएंगे तो मौसम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब
ये बीबी जान की जर्सी जो है ना ये उनसे लेके आई है, और अब शुक्र है कह रही थी कि मैंने उनसे मांग ली। अस्सलाम वालेकुम जी। ओहो बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। नहीं नहीं गर्मी लग रही है। लाहौर याद आ रहा आप तो बड़ पड़ रही है। हाँ जी ओके जी अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। कितने बजे? 5:50 पे हम पहुंच चुके हैं सोस्त वापस। क्या प्लान है? रुकना? अच्छा आगे होता फिर आसिम भाई रुकना नहीं खाते उधर से ही है फिर वो पिज़्ज़ा पामीर या जो भी है ना। तो बस ठीक है फिर हम देर से पहले पहुंचते हैं। अभी 35-40 अब तो ठंड कम होगी ना। आ जाओ अभी हम गुल में जा के रुकेंगे कुछ खाना पीने का माहौल बनाएंगे। अभी अंधेरे से पहले पहले कोशिश करते हैं कि हम इंशाल्लाह पहुंच जाएं। A few moments later हमारे नौजवान खबर पख्तूनख्वा नहीं से गुजरते हुए। अभी मैंने इनको पूछा है कि भाई थक गए हो? क्योंकि मुझे पता है कि ये थक गए होंगे क्योंकि मैं खुद थक गया हूँ। आगे लड़े हैं मेरा दिमाग लटक गया है। बाहर ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। सेक ले रही हूं, हाथ रख के। ओ भाई मेरे इंजन के पास आओ तुम जरा। हाथ शायद गर्म करना है तो भाई का ये सिलेंसर हाजिर है। ये वाली साइड तो ठंडी है थोड़ी सी, ये ज़्यादा गर्म है। अरे लाइट ऑन करना बाइक की। वो मैं तो रास्ते में गुजरते हुए ना यहाँ से वो रेडिएटर है ना पंखा चलता है इधर। अच्छा अच्छा गर्म आवाज थी। मेरी तो टांगे भी गर्म रही हैं यार। क्या कमाल लाइट्स हैं, कमाल बेहतरी। देखिए स्टॉक लाइट्स की और ये 1-2। अरे नाइस उजाला कर दिया भाई। बच्चे पीछे आ रहे हैं आराम आराम से, तो कोई ऐसा इशू नहीं है इंशाल्लाह खैरियत से पहुंच जाएंगे। सिग्नल जो है ना बस किसी के भी नहीं आ रहे इधर, एस्कॉम के मेरे ख्याल से आ रहे हैं। मेरे बाबा मुझे नज़र तो आ नहीं रहा होगा, हमें सिर्फ पशु से गुजर रहे हैं और मेरे बैक साइड पर पशु कौन सा है लेकिन आपको क्या पता। बोरित वैसे भी बोरित जाया जा सकता है, कमाल हो जाएगा, मज़े ही आ जाएगा, लेकिन चलो बच्चे साथ हैं। अभी हम हुसैनी ब्रिज वाले पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और अब हम पिज़्ज़ा पॉइंट है एक पामीर पिज़्ज़ा। सोच रहे हैं कि आज पिज़्ज़ा उड़ाते हैं, देखते हैं यहाँ का पिज़्ज़ा कैसा है। अगर अच्छा हुआ तो आपको बताएँगे। हम तो यहाँ से 40 किलोमीटर है तो डर तो साथ ही है गुलमत। अरे अरे भाई ये लो बंद कर दिए। अब तुम भी बंद करो ना, खुद नहीं बंद करने लाइटें। ओ भाई नेस्कैफे का पॉइंट बना हुआ है, वेरी गुड। ऑलराइट जी पैक हुए हैं भाई सारे। अच्छा हुआ पैक हो गए, बंद करने इसको। अच्छा ठीक आसिम भाई को कर लेता हूँ। ओ भाई बस हो गई यार, हैवी हो गया काम है। ओ यस ओ यस ओ यस गर्मा गर्म। ओ यस प्लीज डोंट स्टॉप। हाँ होता है दर्द। अभी तुम रिलैक्स हो, दूध गर्म पियेंगे ना बाद में। किसने कहा? शॉप बंद कर दी उसका।
मजाक ना मिलने। ये क्या चीज़ है जी? अच्छा तो हमारा जो ट्रिप है वो ऑफिशियली अबाउट टू एंड, बल्कि इट हैज़ एंडेड, क्योंकि हमने अपने टारगेट जो है आज हमारा लास्ट जो डेस्टिनेशन थे वो हमने पूरी कर ली। अब हम जो है वो वापसी का सफर इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अच्छा मेरे दिमाग में ना दर्द होने लगता था, सारे रास्ते में सोचती रहती हूँ चीज़ें द होल टाइम। आई वाज थिंकिंग कि मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी, मतलब जैसे मतलब जाके मैं ऐसे बाइक की ट्रेनिंग करूँगी और थीसिस में ये करूँगी, तो बाद दिमाग दुखने लग जाता है। ऐसे होता है सबके साथ, मेरा मतलब ये था। करना? नहीं नहीं मैं उसके ऊपर डाल रही हूँ। तुम रहना, तो मैं डालूंगा खुद ही। क्या कर रही है? ठंडा कर रही है। पहले किधर चला? पिज्जा मजे का था? नहीं पिज्जा मजे का था भाई, वो सैनी ब्रिज के साथ थी। पिज्जा पामीर है ना? पिज्जा पामीर, पामीर भाई बेहतरीन मजे का बैठने का माहौल। ये भैंसा बना हुआ है यहाँ। हाँ भैंसे के साथ आके आपने फ़ोटो खींचनी जैसे मैंने खींची ये, और वो मुझे आपने टैग कर देना। पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था। पिज़्ज़ा खाने के बाद दिल तो ये कर रहा था कि बस घर जो है ना इधर आ जाए, हमसे नहीं जाया जाएगा घर। लेकिन अभी जाना पड़ेगा, गुलखिन आएगा फिर गुलमीत आएगा। बहुत रोटी है लेकिन मज़ा ही आ गया आज तो भाई, मज़ा ही आ गया, एडवेंचर हो गया बहुत ही हेवी किस्म का। लेकिन मजाज साथ था तो हमने थोड़ा सा रिलैक्स भी रखा। अगर हम अकेले होते तो शायद हम ज़्यादा स्टॉप्स ना लेते जो हमने लिए थे, जो भी लिए थे। एनीवेज इट वाज अ गुड डे। बैक टू गुलमीत। रास्ता देते हैं वहाँ के लोग, बड़ी बात है ये, बहुत अच्छी बात है। रोशनी चेक करो ज़रा, एंडी रोशनी हो गई है भाई। पिज़्ज़ा खा लिया, मज़ा ही आ गया। तो क्या बच्चे घूम फिर रहे हैं, बहुत ही चिल लाइफ है यार यहाँ की। आई मीन आई डोंट नो व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई। होम स्वीट होम। डांट ही पड़नी है। चलो आगे लो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी ठीक जी। सफ़र ठंडा? सफ़र अच्छा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह जी। बस सर्दी सर्दी लगी थी, अब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बस अभी तो आराम करते हैं। थोड़ा सा लेट पहुँचे हम, लेकिन आप लोगों ने मेरा से 2019 में ये घर देखा हुआ। ये अलमारी नहीं थी पहले यहाँ। इस जगह पे बैठ के हम चाय शाय और सारा कुछ खाबा शबा कर रहे थे। रूम्स आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये यहाँ आसिम भाई फ्लैट होंगे। वॉशरूम बहुत ही साफ़ है, और मैं और छोटी जो है ये अलग वॉशरूम है, और ये हमारा रूम वेरी क्लीन, नीट, नो स्मेल। और ये हर चीज़ चार्ज पर लगी हुई है, इतनी ज़्यादा तारे हैं कि मत पूछें। और अभी चीज़ें रहती हैं चार्ज करने वाली। हसन भाई एक मिनट।
चुप कर, नहीं तो मैं धक्का दे दूंगा बट से।